नमस्कार साथियों। साथियों, पिछले वीडियो में जो हमने आपको एंकल फ्रैक्चर की पवन जी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाई थी, आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारी जानकारी देने वाले हैं कि हमने उनकी एक्सरसाइज किस तरह से कराई। साथियों, सबसे पहले इस तरह के केस में हमने उन्हें एक मॉइस्ट हीट एप्लीकेशन दी। मॉइस्ट हीट यानी एक गर्म पानी में आप टॉवल को डिप करके उसे अप्लाई कर सकते हैं, या इसकी जगह आप पैराफिन वैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप पूरे टखने पे अच्छी तरह से अप्लाई करें और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। सबसे पहले एक्सरसाइज में आपको सिंपली पंजों को चलाना है। एक बार नीचे ले जाएंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर इसे अपनी तरफ खींचेंगे और 5 सेकंड होल्ड करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने पंजों से टॉवल को समेटने वाली पोजिशन क्रिएट करनी है। आपको इस तरह से उंगलियों को समेटना है जैसे आप अपने पैरों से टॉवल को इकट्ठा कर रहे हो। इसे 5 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसे करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको घुटने के नीचे एक टॉवल का रोल लगाना है और इसे 5 सेकंड दबा के रखना है और फिर रिलैक्स छोड़ना है। इस तरह से आप अपनी थाई की मसल्स, जो घुटने के ऊपर की जो मसल्स होती हैं, उन्हें मजबूत करेंगे, क्योंकि एंकल फ्रैक्चर में जो मूवमेंट नहीं होता उससे कमजोरी आ जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक वॉबल बोर्ड, इस तरह का एक पाटा होता है जो आप आसानी से कारपेंटर से बनवा सकते हैं या इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसे करने के लिए आपको दोनों पंजों को अगल बगल रखकर एक बार ऊपर नीचे मूवमेंट करना होता है और इसके बाद पंजों को आगे पीछे की तरफ मूवमेंट कराना होता है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है क्योंकि इससे आपका बॉडी वेट टखने पे होता है और उससे फोर्स से आपको मूवमेंट करने में बड़ी आसानी होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरह से एक साइकिल पे अपने पंजों से उसे मूवमेंट करना है। इसे आप 50 टाइम पीछे और 50 टाइम आगे मूवमेंट करेंगे। ये साइकिल भी बड़ी काम की है और इसे आप इजीली ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हवा में अल्फाबेट बनाना है। अल्फाबेट इस तरह से कि जिस तरह से आप ए पूरे टखने से, बी सी, इस तरह से आप पूरे अल्फाबेट बनाएंगे ए से लेके और जेड तक। इस एक्सरसाइज को करने से आपके टखने में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट होती है और आपको चलने में आसानी होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को बोलते हैं रॉकर बोर्ड। ये भी एक तरह का एक बोर्ड होता है जिसे आप इजीली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको एक बार एंटी क्लॉक मूवमेंट करना होता है, एक बार क्लॉकवाइज मूवमेंट करना होता है रोटेशन के अंदर। इसे आप खड़े होकर दीवार को पकड़कर या किसी चीज़ को होल्ड कर आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट इसमें आपको साइडवेज करना होता है। एक बार एक पैर से प्रेशर लगाएंगे, फिर दूसरे लगाएंगे और फिर इसे आप आगे पीछे करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक नॉर्मल हाइट की स्टूल से थोड़ा सा नीचे वाली जो स्टूल हो उस पर बैठना है और फिर इसे 10 टाइम रिपीट करेंगे। और फिर जैसे ही आपका मूवमेंट बढ़ जाता है तो कुछ दिनों बाद इससे नीचे की हाइट पर आप बैठना चालू करें। ये एक्सरसाइज आप वीकली बेस पे या 10 दिन के अंदर जैसे भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है उस हिसाब बढ़ाएंगे और फाइनली आप इसे बिल्कुल ग्राउंड पर बैठने। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको एक थेरा बैंड से करनी है। ये एक तरह का इलास्टिक बैंड होता है जिसे आप इजीली ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आप आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे। इसमें जो सबसे पहले एक्सरसाइज है, इसमें आपको थेरा बैंड को अपने हाथों से पकड़ना है और पंजे से नीचे तरफ धक्का लगाना होता है। 5 सेकंड के लिए इसे होल्ड करें और फिर रिलैक्स छोड़ें। इसमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होती है, इसमें आप किसी की मदद से एक बार थेरा बैंड को होल्ड करवाएं और फिर इसका प्रेशर बाहर की तरफ क्रिएट करें। इसे भी आप 5 सेकंड होल्ड करें एंड देन रिलैक्स करें। इसके बाद आपको बाहर की तरफ से पकड़ना होता है और फिर इसे अंदर तरफ लेके आना होता है। नेक्स्ट आपको सिंपली वॉक करना है, एक बार एड़ी एक बार पंजा। आप देख सकते हैं पवन जी बड़ी आसानी से चल रहे हैं। पहले इन्हें चलने में बड़ी दिक्कत आती थी, ये लंगड़ा कर चलते थे और अब इनकी चाल काफ़ी अच्छी हो गई है। नेक्स्ट आपको बैक वॉक करना है, पीछे तरफ चलना है। पहले एक बार फ्रंट वॉक करेंगे और फिर सिंपली आहिस्ता आहिस्ता से बैक वॉक करेंगे।
इसके बाद आपको साइड वॉक करना है, बिल्कुल साइड साइड से चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता से, एक डिस्टेंस को मेंटेन करके आपको वापस रिवर्स साइड में जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को करने के लिए अपने पैर को स्टूल पर रखें और अपने हाथों से घुटने पर प्रेशर डालें। इसके लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हैं ताकि एक बेल्ट या दुपट्टे से टखने के ऊपर थोड़ा प्रेशर क्रिएट करें और इस एक्सरसाइज को करें। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। आई एम डॉक्टर दीपक सोनी, डायरेक्टर ऑफ वेलबींग फिजियो।